ट्रांसफॉर्मेशन की एक पुकार। घर पर रहिए सपरिवार, स्टे होम स्टे सेफ। नमस्कार, मैं हूं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। देश भर में लॉकडाउन के बीच में 12 बुनियादी सेवाएं चल रही हैं, बावजूद इसके जो किराना की दुकानें हैं वहां पर लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। इसकी वजह से जो कालाबाजारी है वो भी चरम पर है। अब इसको लेकर के पटना जिला प्रशासन की तरफ से एक खास कदम उठाया गया है, जिसके तहत पटना के तमाम बड़े जो फूड मॉल्स हैं वहाँ से लोगों के घर में ग्रॉसरी से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो पहुँचाने को लेकर के एक बड़ी पहल शुरू की गई है। पटना के डीएम कुमार रवि की तरफ से इन तमाम वैसे लोगों के साथ में जो कारोबारी हैं उनके साथ में बैठक की गई। बैठक के बाद इस बात के निर्देश दिए गए कि लोगों के घरों तक ये चीज़ें पहुँचें, इसके इंतजाम किए जाए। इसके साथ ही इस सेवा की शुरुआत भी हो गई है। पटना में बिग बाज़ार, विशाल मेगामार्ट, 9to9 जैसे जो बड़े ब्रांड्स हैं वो भी अब लोगों को के जो ऑर्डर्स हैं वो फ़ोन पर ले रहे हैं और लेने के साथ उनकी होम डिलीवरी करने की जो योजना है वहाँ शुरू कर रहे हैं। डीएम कुमार रवि ने क्या कुछ कहा है इस योजना के बारे में और किस तरीके से कालाबाजारी पर नजर रखी जाएगी, पहले ये किया जा रहा है। यहाँ पर जो ऑनलाइन ई कॉमर्स सेवा है और जो होम डिलीवरी देने वाली यहाँ पर कंपनियाँ हैं, सभी के साथ बैठक की गई थी और इनको लॉकडाउन की अवधि में किस प्रकार से इनके गाड़ियों का परिचालन होगा उसके संबंध में आज यहाँ निर्णय लिया गया है। और चूँकि जो लॉकडाउन घोषित हुआ है उसमें होम डिलीवरी पर विशेष जोर दिया गया है, उसके लिए यहाँ पर बहुत सारी जो कंपनियाँ हैं वे बिग बास्केट है, बिग बाज़ार है, विशाल मेगावाट है, अम्बे है, ये सभी अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उसके माध्यम से जो आवश्यक वस्तु है, खाद्य सामग्री है, उसको ऑनलाइन सेवा के माध्यम से और फ़ोन से बुकिंग के माध्यम से होम डिलीवरी करेंगे। सर, होम डिलीवरी तो किया जाएगा, मगर किस तरह के एहतियात बरतने के इन लोगों का आदेश दिए गए? उसमें जो एहतियात बरतना है कि हाइजीन बिल्कुल मेंटेन करना है होम डिलीवरी के समय, और जो होम डिलीवरी बॉय हैं उनको भी इसके बारे में विशेष रूप से जानकारी दे देनी है, और जो सामानों की हैंडलिंग है उसमें भी पूरी तरह से सैनिटाइज डिब्बे में पहुँचाया जाए, यह सुनिश्चित किया करने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। जो अभी किराना और उनके द्वारा यह देखा जा रहा है कि मूल्य की वृद्धि नहीं हो, अगर कोई भी दुकानदार मूल्य से जो निर्धारित मूल्य है उससे ज़्यादा अगर मूल्य लेंगे तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और साथ में जो थोक विक्रेता हैं उनके फैसिलिटेशन के लिए बैठक की गई है, उनके गाड़ियों के आवागमन के संबंध में और इन सब के बारे में जो दिक्कतें उनको आ रही हैं उसको दूर करके सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। इसमें मामले जो भी अभी हैं तत्काल सभी को निर्देश दिए गए हैं कि अगर ऐसे मामले पाए जाते हैं तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी, और अभी टीम हमारी लगी हुई है, जैसे ही अपडेटेड इंफॉर्मेशन आती है आपको। कल शाम से आटा गायब हो गया। तो आपने सुना कि किस तरीके से पटना जो है वो पूरी तरीके से तैयार है, यानी कि लॉकडाउन के दौरान आप अपनी जो लक्ष्मण रेखा है यानी कि घर के बाहर ना निकलें, क्योंकि जरूरी हो जाता है कि आप अपने परिवार को जो है वो रखें सतर्क। और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जब सरकार के स्तर से, जिला प्रशासन के स्तर से आपके लिए तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं, तमाम तरह के इंतज़ाम किए जा रहे हैं, ऐसे में 21 दिन का जो लॉकडाउन है उस पूरे लॉकडाउन के दौरान जो है आप कोशिश करें कि बिल्कुल पूरी तरीके से घर में रहें, ताकि जो कोरोना वायरस का संक्रमण का चेन है उसको हम ब्रेक कर पाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया है कि वो देश के तमाम अलग राज्यों से अलग अलग दिनों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वहां की जनता से संवाद भी करेंगे। काशी से शुरुआत इसकी हुई, तो दूसरी तरफ पटना में एक ऐसी योजना की शुरुआत हो रही है जिससे लोगों के लिए जो ज़रूरी सामान है, खास करके जो किचन से जुड़ा हुआ सामान है, वो उनके घर में होम डिलीवरी करके पहुँचाया जाएगा। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फॉर्मेशन। नमस्कार।